हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुमिता अरोड़ा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। चलिए फिर आज भी किचन में चलते हैं और एकदम ही जबरदस्त, डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी बनाते हैं। नवरात्रि व्रत स्पेशल तीखे चटपटे आलू बनाने के लिए हमने 3 टेबलस्पून करीब देसी घी ली है। फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देते हैं, भुनने देते हैं जीरे को। और साथ ही इसमें 4 उबले आलू हमने लिए और इनको हमने क्यूब्स में कट किया हुआ ये डाल देते हैं। एक बार मिक्स कर देते हैं और इनको हमने अच्छे से क्रिस्पी होने तक घी में भून लेना है। चारों तरफ से आलू सारे क्रिस्पी हो जाने चाहिए और मीडियम फ्लेम पे आप इनको कुक करेंगे। इस टाइम पे आप देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी आलू हो गए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, एकदम कुरकुरे हो गए। अभी फ्लेम लो कर देते हैं और इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। 3 हरी मिर्ची की पेस्ट इसमें डालेंगे, मिक्स कर देते हैं इसको। और इसमें 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देते हैं। फ्रेश कोकोनट हमने लिए और इसका छिलका हमने उतार के कद्दूकस कर लिया था। और इसमें 2 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं इनको। नारियल डालने के बाद 1 मिनट करीब इनको भून भी लेंगे, एकदम ही आपको डिफरेंट फ्लेवर लगेगा और आपको बहुत ही पसंद आएंगे। शाम को जैसे चाय के साथ आपका तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है व्रत में, तो आप ऐसे ही आलू बना के खाएंगे, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। भून लेते हैं इसको 1 मिनट करीब। चलिए नारियल भी भुन गया, अभी हम इसमें ड्राई रोस्टेड मखाने का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 कप हमने लिए मखानों को, हमने पहले रोस्ट करके पाउडर बना लिया था। और साथ ही इसमें व्रत वाला नमक डाल देंगे, सेंधा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। मिक्स कर देते हैं। और साथ ही इसमें अभी 1 नींबू का रस डाल देते हैं, मिक्स कर देंगे। देख के ही मन कर रहा है ना आपका भी खाने का। बस अब इसमें थोड़ा हरा धनिया और डाल देंगे। अगर आप फास्ट में नहीं खाते हरा धनिया तो आप ना डालें, स्किप कर दें इसको, कोई ज़रूरी नहीं है। मिक्स कर देते हैं। चलिए ये बढ़िया से चटपटे कुरकुरे और मसालेदार आलू बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आप इनको बनाएं इस नवरात्रि, ट्राई करें और फिर हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसे लगे। हैप्पी नवरात्रि।